हेलो गाइस, लिनक्स कम ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, पैरट सिक्योरिटी ओएस, उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। इसे मैंने अभी तक 7 या 8 महीने के आसपास हो चुके हैं कि इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव ड्यूअल बूट विद विंडोज़ 10। और आज मैं इसके अच्छे और बुरे दोनों, जो आप यूज़ करेंगे उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने उबंटू यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे पैरट सिक्योरिटी ओएस यूज़ है, बिकॉज़ ये काले लिनक्स का अल्टरनेटिव है और मुझे उसके सारे टूल्स चाहिए थे जो मुझे पैरट सिक्योरिटी ओएस में मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आप इंस्टॉल करते हैं। आप प्रॉपरली इंस्टॉल भी कर लेंगे, इसमें पैनल नॉट वर्किंग, पैनल नॉट रिस्पॉन्डिंग, और ये जो है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहीं पे भी, तो ये ओपन नहीं होते। दूसरी बात, अगर आप किसी पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो पूरी तरह से वो कॉपी पेस्ट नहीं होता, हाँ वहाँ पे लटके रहता है। मतलब स्पीड काफ़ी अच्छी होती है ट्रांसफरिंग की, बट वो पूरी तरह से कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता, या कभी कभी तो कॉपी पेस्ट उतना 100% दिखाएगा, 98% दिखाएगा, वहीं पे स्टॉप रहेगा, उसके सामने जाता नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने मतलब यहाँ पे देखे कि यहाँ इस तरह से कुछ बग्स हैं, उनको फिक्स करना है। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका अभी फ़िलहाल वर्ज़न है 4.0, पैरट का यहाँ का कर्नल है 4.16। और मैं इसलिए इसको यूज़ करता हूँ कि इसका इंटरफेस काफ़ी इजी है और मुझे काफ़ी कुछ मिल जाता है जो मुझे चाहिए। आपको लिनक्स इसलिए सीखना चाहिए कि इसका मतलब आपको सामने फ्यूचर में किसी जॉब के लिए, आईटी प्रोफेशन मतलब किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, विंडोज़ और एप्पल जैसी कंपनियों को छोड़े, और नासा या किसी भी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स में लिनक्स यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे चीज़ों के लिए लिनक्स यूज़ किया जाता है। इसका जो कर्नल है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रोसेसिंग करता रहता है, वो लिनक्स का यूज़ कर किया जाता है। एंड्रॉयड में जो कर्नल यूज़ किया जाता है वो लिनक्स का होता है, और वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो जावा की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका रिव्यू दिखाना चाहूँगा। इसमें मैंने और बहुत सारे एक्सेसरीज अपने मतलब जो अप्लीकेशन से वो खुद से डाले हैं। उसको इंस्टॉल करने की सिंपल बाय सिंपल टेक्निक अगर आप चाहें तो, आप अगर आपको पता करना है कि इसको किस तरह से इंस्टॉल किया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेसरीज, इसमें आपको सारे वो एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो आपको नॉर्मली हर दिन काम में आते हैं। यहाँ पे एक बताना चाहूँगा, कॉन्की मैनेजर है, जो कि आप विंडोज़ में एक सिस्टम को मतलब देखते हैं सीपीयू की कितना यूज़ कर रहा है, या कितना मतलब मीटर कितना है, इंटरनेट स्पीड मीटर जो आप यूज़ करते हैं एंड्रॉइड्स में वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्की मैनेजर हैं, यहाँ पे आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक्सटर्नली डाउनलोड किया, ये फ्री इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल्ड नहीं मिलता, इनबिल्ड नहीं है। उसके बाद एनोन सर्व के बारे में आपको पता होगा, जो यहाँ पे मैंने किया है। एनोन सर्व मतलब आपकी आईपी एड्रेस को छुपा देता है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी, एजुकेशन, गेम्स जो मैंने खुद से डाले हैं कुछ, ब्लेंडर, ब्लेंडर एक ओपन सोर्स एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, रेंडिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप मूवीज, एनिमेशन, वीडियोस, 2D, 3D इस तरह से बना सकते हैं। और इसके बाद आता है ग्राफिक्स में डॉक्यूमेंट व्यूअर, आपको एडोब फोटो एडोब जो पीडीएफ ड्राइव है उसको मतलब इंस्टॉल करने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे वो भी है। तो उसके बाद इंटरनेट आपको बहुत एंग्री आईपी स्कैनर, क्रोमियम वेब ब्राउज़र, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स मैंने खुद से डाले हैं जैसे ओपेरा हो गया, स्टीम हो गया, ट्रांसमिशन, ये जैसे अपन
टोरेंट यूज़ करते हैं, तो टोरेंट के लिए तो टोरेंट डाउनलोडर होता है, तो लिनक्स में ट्रांसमिशंस यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद ऑफिस, ऑफिस में आपको लिब्रे ऑफिस तो मिल ही जाता है, उसके बाद थोड़े बहुत अलग सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, अटल डॉक्यूमेंट व्यूवर, डॉक्यूमेंट व्यूवर, वॉट एवर। उसके बाद पैरट सिक्योरिटी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि हम काले लिनक्स में भी यूज देखते हैं, तो ये हैं उसके सॉफ्टवेयर्स, मतलब टूल्स, हम इसे टूल्स कहते हैं। एक्चुअली ये मैंने लर्निंग प्रोसेस के लिए लिया है, अभी तक मुझे इन सॉफ्टवेयर्स, मतलब इन टूल्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। मैंने अपने स्टडी, मतलब एज ए स्टूडेंट लाइफ, मैंने अपने स्टडी के लिए किया इसको, मतलब हैंडल करता हूँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मेरा यही पर्पज़ है कि इस सारे एप्लीकेशंस के बारे में मैं जानूँ और फ्यूचर में मेरी जॉब या मतलब मुझे कुछ काम में आए, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी आईटी प्रोफेशन में हैं या कुछ अपने सेल्फ पैशनेट है कि प्रोग्रामिंग या कुछ हैकिंग के, यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सपर्ट की कुछ जॉब करने है, आपको पता करना है कि किस तरह से ये होता है प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह, जो भी डेटा है आपको पता करना हो, तो इस तरह से एक मतलब सिंपली आपको इंटरफेस और एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उसके बाद ये साउंड रिकॉर्डिंग के टूल से, ये जो चीज़ है, ये अपना जो कैमरा है उसके लिए होता है, ये कैमरे के लिए है। वीएलसी प्लेयर ओपन सोर्स होने के कारण इसमें मतलब इनबिल्ट मिलता है। उसके बाद कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आपका कीबोर्ड काम ना कर रहा हो तो इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मेनू और ये वाला मेनू एक जैसे ही काम करता है, पर इसमें आपको हर जगह क्लिक करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, यहाँ पे डायरेक्ट जाइए, इस तरह से एरो आ जाता है, तो आपका काम काफ़ी सिंपल हो जाता है। प्लेस, प्लेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आ जाता है, हार्डवेयर, नेटवर्क, लुक फाइल्स, पर्सनल, अबाउट मेट, इसकी लॉगिंग, शटडाउन, यहाँ पे भी दिया है। यहाँ पे मैंने अलग से टर्मिनल बना के इसका कलर चेंज किया है, यहाँ पे जाके आप प्रॉपर्टीज में जाके इसके कलर सेट कर सकते हैं, इसका पिक्सल साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसे मुझे मुझे इसका साइज़ बहुत बड़ा करना हो या साइज़ बहुत छोटा करना हो तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद जहाँ नीचे आते हैं, ये ऑटोमेटिक स्लिप एनेबल, यानी अगर आपकी स्क्रीन इसी तरह से चालू रही है, आपने कोई काम नहीं किया है, तो ये ऑटोमेटिक मतलब स्लिप हो जाएगा। अगर इसको आपको ऐसे ही रखना है कि कोई वीडियो देखते वक्त स्क्रीन ऑफ हो जाए, तो इसको इस तरह से करके रखिए, आपको पढ़ना हो कुछ और तब बार 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 आपको अपना माउस घुमा घुमा के उसको स्क्रीन को एक्टिव अलर्ट करना हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको बस इनबिट कीजिए और एनेबल करके आप पूरी की पूरी स्क्रीन जैसे है वैसे ही रहेगी, वो स्लीप नहीं होगी या बंद नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ इसके ये एडवांटेजेस काफ़ी है लिनक्स सीखने के, आपको इसमें से बहुत कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। विंडोज़ जैसा एकदम सिंपल नहीं है, इसको आपको सीखने के लिए इसका कमांड जो है टर्मिनल, उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। आप YouTube पे बाकी लोगों की जो वीडियोस है, प्लेलिस्ट डायरेक्टली पूरी की पूरी डाउनलोड करके आप थोड़े 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 वीडियोस देखिए, उससे सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी इसको डायरेक्टली आप यूज़ ना करें, कि जब भी आपको मतलब इंस्टॉल किया और चलाया, इंटरफेस इसका काफ़ी कूल है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, और इससे स्मूथ उबंटू है, मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर भी मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसका इंटरफेस ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ठीक है। और एक बात कि विंडोज़ आप जब भी यूज़ कर रहे हो, तो सिंपली आपको पता है कि यहाँ से जाना है, यहाँ क्लिक करना है, कहीं से भी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, हो जाता है, तो
तो जैसे कंट्रोल पैनल होता है ऐसे कंट्रोल सेंटर भी है यहाँ पे, तो आपको उस तरह सा इंटरफेस पूरा का पूरा यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ का वर्ल्ड थोड़ा अलग है, आपको हर चीज़ के लिए कमांड मतलब टर्मिनल पे जाना पड़ता है। यहाँ की सारी चीज़ें अभी तक अंडर डेवलपमेंट में है, और टर्मिनल यहाँ का मतलब मैंने तो अभी देखा है कि टर्मिनल कभी मतलब हैंग नहीं हुआ, या यहाँ पे कोई बग्स उतने ही नहीं है जितने की पारे बाकी पूरे सिस्टम में आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मेरे यहाँ पे फिर सिर्फ पैनल नॉट रिस्पॉन्डिंग करके ही एक आता है, बाकी नहीं आते। शायद उबंटू में ऐसा ना हो, उबंटू लिनक्स में काफ़ी अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम है विद कंपेयर टू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके नाउ आपको हर चीज़ के लिनक्स कमांड मतलब इस पे टर्मिनल पे यूज़ करनी पड़ती है, तो आप क्या कीजिए कि अगर आपको इसमें से मतलब ड्यूअल बूट करना हो अपने लिनक्स और विंडोज़ को, तो उस डायरेक्टली आप पूरी की पूरी लिनक्स पे शिफ्ट ना हुए, आप वर्चुअल बॉक्स में इस तरह का कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए, उसमें से टर्मिनल ओपन कीजिए, टर्मिनल यानी ये ऐसा इंटरफेस वाला, और इसमें से जो आपने वीडियोस देखे उसके थोड़े थोड़े सीखे कि ls कमांड क्यों यूज़ होता है, cd कमांड क्यों यूज़ होता है, cat कमांड क्यों यूज़ होता है, mkdir में डायरेक्टरी बनाने लेने के उसका यूज़ होता है, rmdir रिमूव डायरेक्टरी उसका यूज़ क्यों होता है, बहुत सारे हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये पता होने के बाद मतलब आपको अगर इस टर्मिनल के बहुत सारी चीज़ें और कमांड्स पता होने के बाद आप इसको अपने पीसी में ड्यूअल बूट करके आप इसको शिफ्ट कर सक मतलब यूज़ कर सकते हैं। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो कोई भी पर्पज़ होता है कि उसका वाईफाई हैकिंग के लिए, या मतलब हैकिंग के लिए कुछ पर्पज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पज़ तो वाईफाई हैकिंग के लिए मतलब लोग लिनक्स पे जाना चाहेंगे, वो क्योंकि अट्रैक्टिव जोन है, बाकियों को उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस हमारा वाईफाई हैक हो जाए, बस उसका पासवर्ड मिल जाए, यही उनकी मतलब इच्छा होती है जनरल लोगों की, मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी डिवाइस का वाईफाई हैक कर सकते हैं, पैरोट में वायरलेस टेस्टिंग में इतने सारे मतलब एयर क्रैक का एक सेट मिल जाता है जिससे आप कर सकते हैं। टेकचिप नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से उन सर ने बताया है कि किस तरह से आप वाईफाई हैक कर सकते हैं, उसके काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, किसी का सिक्योर होता है, किसी का अनसिक्योर होता है, WPS, WP, WEP, तो WPA2, WPA3, WPA, मतलब जो सिक्योरिटी लेवल है और उसका आपको किस तरह से क्रैक कर सकते हो उसके बारे में वो काफ़ी अच्छे से जानकारी देते हैं और प्रैक्टिकली बताते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हो और कोई हैकिंग में इंटरेस्टेड है तो उनका चैनल देखना चाहिए आपको। तो इस तरह से आपको इंटरफेस और ये सब मिल जाएगा। आपको मैंने इसके डिसएडवांटेज मतलब प्रॉब्लम्स बताए कि अभी भी इसमें काम चालू है और अभी तक इसका पैनल नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला एक प्रॉब्लम, दूसरा यहाँ पे क्लिक किया वो नहीं आता, आपको ट्रांसफर में प्रॉब्लम आता है, और कभी कभी यहाँ का जो प्रोसेसर है जो दिखा रहा है अभी 4649 जो भी है वो पूरा 100 हो जाता है और यहाँ पे कुछ भी काम में मतलब कुछ काम नहीं करता, हालांकि यहाँ पे ये सब चालू नहीं होना चाहिए। तो गाइस इस तरह से आपको पता चल ही गया होगा कि लिनक्स में किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। सो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।